हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मेरे चारों चैनल पे। अभी हम करने वाले हैं रीडिंग दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टू डेक्स। द फर्स्ट वन ऑब्वियसली टैरो एंड सेकंड वन इज द लव मैसेजेस। ठीक है, तो चुनते हैं कुछ मैसेजेस और देखते हैं कि क्या आती है रीडिंग। ओके, सो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। And we're gonna shuffle the cards traditionally and dekhte hain abhi kya hai. Well, the first card is being this one, Five of Cups. Okay, pehla card yahan aa chuka hai, Five of Cups. Somewhere I think inki dil ki halat kuch aisi hai ki bhai kya karu main. Maybe somewhere thodi si I think nirasha hai unke dil mein, ya fir agar aap se thodi si anban ho chuki hai to shayad is baat ko leke ज़िंदगी में थोड़े से परेशान है। यू कुड ऑल्सो नो कि भाई अगर आपसे थोड़ी सी अनबन हो चुकी है या फिर यू नो आप दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ है जो उनको थोड़ी सी परेशान कर रही है। यू नो, तो कई बार क्या होता है कि इंसान को ज़िंदगी में कुछ फैसले लेने में तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि पर्सनल लाइफ अलग होती है, लेकिन जो हमारी सोच और हमारे इमोशंस है वो हमारे साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। दिस इज समथिंग हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, और ये बातें इसके साथ हो रही हैं। इसकी वजह से ये व्यक्ति शायद खुश नहीं है आज, और आई थिंक थोड़ा ज़्यादा समय वो अपने आप को समेटने में लगाया हुआ है। हाँ, तो खुद को समेटना चाहता है और शायद कुछ तकलीफ है जिससे उसको बचना है। तो अगर आप दोनों में कहीं पे थोड़ी अनबन हो चुकी हैं, सो ट्राई टू गेट अलॉन्ग और जानिए वो कॉज क्या है और उस रूट कॉज को जड़ से भगाइए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है द एम्परर। वाह, एम्पर यहाँ पे आ चुके हैं, सो आई थिंक कोई रूलिंग इनके ऊपर चल रही है। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से इनके ऊपर कुछ चीज़ें हावी है। ओके, अब हावी है मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली का प्रेशर शायद इनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ओके, और ये बात शायद इनको गवारा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं उनके बिजनेस की या फिर उनके जॉब की, तो कहीं ना कहीं पर यू नो थोड़ा प्रेशर उनके यू नो जहन पर आ रहा है, और प्रेशर बढ़ते जा रहा है साथ में आपके कारण थोड़े से शायद दुखी भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जो उनके ऊपर रूलिंग हो रही है तो वो उनको पसंद नहीं है, है ना। किसी को भी नहीं लगता कि भाई मेरे ऊपर कोई रूल करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें किसी की चीज़ माननी होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पर जॉब करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात होती है कि यू आर वर्किंग अंडर समबडी, है ना। लेकिन वो जो भी ऑर्डर दे वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे उनको ऑर्डर फॉलो नहीं करना, यू हैव टू डू दैट। चाहे फिर वो ऑर्डर आपको पसंद आए ना आए, उनके काम करने का तरीका आपको पसंद आए ना आए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे हो रही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं पैट्रियार्चल यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो जो भी इनके ज़िंदगी में पैट्रियार्चल है, जैसे कि इनके पिता हो सकते हैं, इनके दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, जो भी उनके अंकल है, इनका उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपके बारे में बात करने का सोच रहे हैं तो आई थिंक ये सही समय नहीं है, या फिर इनके ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव बढ़ते जा रहा है। अब वो दबाव किस किस्म का है आप खुद पर्सनली जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये एंड फोर ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, रिक्यूपरेशन की ये एक फेज़ है, यहाँ पे आपको शांत करने की यू नो ज़रूरत है। व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, यू नो कई बार हम कई लोग चीज़ों से ऊब जाते हैं या फिर हमारा दिमाग शांत नहीं होता, है ना। मतलब दिमाग में सन्नाटा चला जाता है। मतलब एक बार ऐसा होता है कि भाई दिमाग में अगर गुस्सा आ जाए तो दिमाग फट जाता है, है ना। हम कहते हैं कि भाई मैं गुस्से से लाल पीला हो चुका हूँ, मुझे ये एक्शन लेना ही है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपको कुछ सोचता ही नहीं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति एक्चुअली में थोड़ा शांत होना चाहता है। दिस पर्सन वॉन्ट टू टेक रेस्ट, उसको रेस्ट लेने की जरूरत है। रेस्ट डजंट मीन दैट ही इज गोइंग टू ले ऑन द बेड, इसकी मीनिंग है कि भाई इसको अपना दिमाग शांत करने की कोशिश है, मन शांत करने की कोशिश है, है ना। जब आप समुद्र देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा यू नो लहरें आ रही है, और हम कहते हैं कि भाई समुद्र में लहरें आ चुकी है और यहाँ पे स्विमिंग करना या फिर यहाँ पे यू नो बोटिंग करना सही नहीं है, तो ये उनके दिल की फेज़ है। तो उनके लिए अभी ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेक देखते हैं, कोई भी तालाब होता है, जब वो शांत होता है, हवा शांत बहती है, तो तालाब भी शांत होता है, है ना। किसी कटोरे में पानी लीजिए और वो शांत होने दीजिए, ना ही उसमें कुछ है। और जहाँ पर जैसे यू नो आप उसके सेंटर में टच करते हैं तो वेव्स चारों तरफ निकलती हैं, वो होती है शांति। तो इस शांति के तलाश में है वो अभी।
इसका जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 7 of Cups। देखो यहाँ पे इनके लिए जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि सही चीज़ का चुनाव करना। सही चीज़ का अगर चुनाव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 7 of Cups है यहाँ पे और हमें किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी यहाँ पे फिलहाल। तो 7 of Cups यहाँ पे इनको आ चुका है एंड अगर हम इस बात को देखें तो काफ़ी सारे चुनाव इनके सामने आ चुके हैं। अब इसमें से किसको चुने और किसको नहीं, ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो कई बार यू नो हमारे ज़िंदगी में ऐसे कई सारे पड़ाव आते हैं कि हमें किसी में से सिर्फ एक को चुनना होता है ना, एंड वो कई बार किस्मत भरा खेल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉल आ रहा है, फिर आपको मिलना है, अचानक बॉस ने कुछ कह दिया है, या फिर उनके फैमिली वाले हैं, या फिर किसी दोस्त के यहाँ पर जाना है। सो अचानक इतनी सारी बातें आ गई हैं तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यस, कुछ चीज़ ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम सोच ही सकते हैं और कुछ हमें मिल नहीं सकता। तो आई थिंक ऐसी कोई बात यहाँ पे हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज फीलिंग वेरी, क्या करे अभी यहाँ पे। जितना बस की शांत बस, तो बस यही बात चल रही है कि दिल में कि भाई किसी एक का चुनाव करना है। अभी वो कौन चुनाव करेंगे, कैसे चुनाव करेंगे, वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर, एंड वी कैन जस्ट होप फॉर दैट वन। ठीक है, तो रखता हूँ कार्ड साइड में एंड एक और कार्ड लेते हैं जो कि है ये, दिस इज अ क्वीन ऑफ सोर्स। ठीक, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे आ चुका है एंड व्हाट इज मीन बाय दैट वन। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पे एंड इस व्यक्ति को अभी यू नो एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उस डिसीजन के ऊपर अलग अमल करना पड़ेगा, है ना। एंड वो कई बार इजी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑफिस में ही रुकना है एंड आपने ठान लिया कि भाई मैं ये डिसीजन लेके ही रहूँगा, ठीक है, या फिर बिजनेस कर रहे हैं आप, या फिर यू नो आप अपने लव लाइफ में और वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, फिर चाहे वो डिसीजन सिर्फ आपको ही अच्छा लगे, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसके ऊपर हमें ठाम रहना पड़ता है, बिकॉज वी कैन सी द फ्यूचर, है ना। जरूरी नहीं कि आपका जो भी लुकआउट है वो दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ जाए, फिर दूसरे व्यक्ति भी उस लुकआउट को के बारे में सोचे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है कि भाई ज़िंदगी में हम क्या सोचते हैं और क्या पाते हैं, और जो पाते हैं क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं, तो वो बात यहाँ पे हो रही है। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है नाइट ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के बाद आ चुका है नाइट ऑफ पेंटेकल्स। तो यहाँ पे अगर हम पैसों की बात करें या फिर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसको कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, या फिर यू कैन फील कंफ्यूज कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अचानक कोई इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, या फिर कोई घर परचेस करने की बात कर सकते हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात उनके दिल में आ सकती है एंड यू कैन बी अनअवेयर ऑफ दैट कि व्हाई आर यू डूइंग इट। लेकिन उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, हर बार जरूरी नहीं कि हमें वो सब चीज़ें बताएं। ठीक है, अब आई थिंक मेरे हिसाब से दो कार्ड और देख लेते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू द लव रीडिंग। ठीक है, द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंड साथ में यहाँ पे आ चुका है टेन ऑफ सोर्स। दोनों कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। वेल, द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है कि भाई हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। ओके, और अगर ये व्यक्ति कहीं पे अचानक से मूवमेंट करने जा रहा है या फिर अचानक बिग इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा उसको रुकने की ज़रूरत है, है ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं एंड फिर एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू डू दैट, है ना। अचानक से हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दैट, और जब हम ऐसा कहते हैं और जब वो होता नहीं है तो हमें फिर तकलीफ़ होती है या फिर कुछ गलत डिसीजन अब ले बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदने के लिए गए और आप चीज़ खरीदते भी हैं और जब घर आते हैं तो फैमिली को वो चीज़ पसंद नहीं आती, फिर आप खुद कहते हैं कि भाई मैं ये नई चीज़ क्यों परचेज़ की, लेकिन तब आपको लगा था कि आई शुड डू दैट। तो यही कार्ड डेविल बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सावधानी से आपको करनी चाहिए। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, शायद कोई गलत चुनाव या गलत डिसीजन वो ले सकते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड आ चुका है, तो जैसे हमने पहले भी कार्ड देखा था रिकपरेशन, तो इस व्यक्ति को रिकपरेशन की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है और कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए विश्रांत लेने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये हो गया टैरो रीडिंग। अब देखते हैं लव मैसेजेस जो आ रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो क्या है वो हम देखते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन अहेड। ठीक है, चलो लव मैसेजेस देखते हैं। सो गार्ड है, उसमें से कुछ मैसेजेस तो आ ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लव मैसेज जो है वो है, आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी।
ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और इनको खुश रखने के लिए एफर्ट्स करते हो, जैसे कि सुबह उठना, उनके लिए नाश्ता बनाना, या फिर प्यार की झप्पी पप्पी जो भी हो सकती है, यू नो यू जस्ट डू दैट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। अब आप चाहे साथ में रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, फिर भी अगर आप उनसे जब फ़ोन पे बातें करते हो या फिर उनको समझते हो, मान लीजिए कि वो टेंशन में है, ऑफिस में बॉस से कुछ आनाकानी हो गई या फिर रास्ते में ट्रैफिक में कुछ हो गया एंड वो आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर फ़ोन पे बातें हो रही है और आप उनको शांत कर रहे हैं कि भाई शांत हो जा, आई एम विथ यू, मैं हूँ ना, तो यू नो ये जो एहसास होता है कि समबडी केयर जस्ट फॉर मी, मतलब इस पूरी दुनिया में जहाँ पे इतने सारे बिलियन लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सोचता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है आई लव यू बिकॉज वी आर ऑलवेज क्विक टू मेक अप आफ्टर अ फाइट एंड यू ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू स्मूथ थिंग्स ओवर बिटवीन अस। जब भी आप दोनों का झगड़ा होता है तो क्विकली आप इस झगड़े को रिजॉल्व करते हैं, ज़्यादा टिकने ही नहीं देते झगड़े को, एंड आप दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे करने के लिए, जो दीवार है वो टूटने के लिए आप हमेशा कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता ही है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि प्यार जो होता है वो दुगने तेजी से बढ़ता रहता है। तो जब भी आप दोनों में फ़ाइट होती है तो आप स्पेशली एफर्ट करते हो कि ये जो फ़ाइट है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव टॉट मी सो मच अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट लाइफ, देयर इज सो मच दैट आई डिड नॉट नो बिफोर आई मेट यू। आपने इनको जिंदगी के बारे में एंड इनके बारे में इतना कुछ सिखा दिया है, इतना कुछ समझा दिया है कि अभी मतलब उनको पता नहीं था कि भाई इतना भी कुछ होता है ज़िंदगी में। ठीक है, मतलब आप उनको प्रैक्टिकलिटी सिखाते हो, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से ये शायद अनजान थे या फिर किस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे थे, बट यू जस्ट ट्राई टू टेल देम कि भी उनको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ़ यू विल जज वॉट आई हैव टू से। ठीक है, ये आपके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपसे किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि मान लीजिए यू डेट समवन, ठीक है, एंड वो बता रहा था कि आपके पहले भी इसके साथ डेट्स थे या फिर ही मेक आउट विद अ गर्ल एंड लाइक वाइज, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस उनके बौखला जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, गुस्से से लाल पीला, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कामली, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नहीं है, बिकॉज द पर्सन इज टेलिंग यू द ट्रुथ। और वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट फैक्टर, जो एक रिश्ते की नींव होता है, है ना। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि भाई कुछ व्यक्ति लोग ऐसे चीज़ें करते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन बोझ दिल पर रहता है और फिर रिश्ता कई बार इस बोझ के तले दबा जाता है और फिर टूट जाता है, बर्स्ट आउट होता है, है ना। अगर आप एक टायर में हवा भरते जाओ और फिर वो इतनी बढ़ती है कि टायर फट जाता है तो क्या होता है, है ना। तो इससे अच्छा है कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप बताओ आराम से। तो इनको इतना भरोसा है आपके ऊपर कि वो किसी भी चीज़ के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, जैसे कि शायद उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट की या फिर कहीं पे जुआ खेला या फिर किसी के साथ डेट पे गए थे, समथिंग हैपेंड एंड द पर्सन कैन टेल यू डायरेक्टली कि भाई आपसे कुछ छुपाना नहीं है, द पर्सन ट्रस्ट यू कि भाई ऐसा हुआ था एंड आई डेटेड समवन एंड यू जस्ट लाइक ओके ये हो चुका था ना, अब क्यों बात कर रहे हो चुका था तो हो चुका था एंड आई एम हैप्पी कि आपने मुझसे बात की, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो फाइनल कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है आई लव यू बिकॉज योर हग्स किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। ठीक है, आपकी जितने भी हग्स है, किसेस है एंड वार्म एम्ब्रेस है, वो इनको कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस लाते हैं। ठीक है, मतलब आपके किसी भी चीज़ से इनको कोई परेशानी नहीं है एंड आप जो भी चीज़ करते हो इनके कम्फर्ट को ध्यान में लेके रखते हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो आचाताई करते हैं या फिर यू नो बहुत ही क्या उसे कहते हैं, हैंडलिंग उनकी बहुत ही ख़राब होती है। यू कुड हैव सीन दैट कि फॉर एग्जांपल किसिंग इज़ एन आर्ट, है ना, किसिंग इज़ एन आर्ट होती है, फिर चाहे आप लिप पे किस करें या फिर आप उनके कपाल पे किस करें, गाल पे किस करें, इट इज़ समथिंग कूल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जस्ट यू नो कि आई जस्ट वॉन्ट यू, दैट्स इट, ये घटियापन होता है एंड द पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू बिकॉज वट एवर यू डू दैट विद द कम्फर्ट जोन, है ना। जैसे कि कुछ लोग गाड़ी इतनी स्मूथली चलाते हैं कि हम कहते हैं कि वाह क्या गाड़ी चल रही है, क्यों, बिकॉज जस्ट नॉट द कार इज़ इंपॉर्टेंट, जो ड्राइवर होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, है ना, वो फीलिंग आनी चाहिए कि भाई द कार इज़ ड्राइविंग स्मूथली, और वही बात यहाँ पे हो रही है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू, थैंक यू फॉर साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, थैंक यू।